हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,800 शिक्षकों की नई नियुक्ति का फैसला लिया था और 6,800 शिक्षकों की चयन लिस्ट चुनाव से पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन तब से लेकर आज 6 महीने लगभग बीत चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा माने आप, और तब से इन शिक्षकों को अपनी काउंसलिंग और नियुक्ति का इंतज़ार है। लेकिन सरकार के इस फैसले के विरुद्ध जो छात्र चयनित नहीं हुए आरक्षण को लेकर, वो चले गए कोर्ट। कोर्ट ने इस भर्ती पर लगा दिया है स्टे, और जिस कारण से अब यहाँ पर आला अधिकारियों का कहना है कि भर्ती पर रोक है, इस कारण से भर्ती अभी सुनवाई के लिए लगी हुई है। जब सुनवाई यानी फैसला हो जाएगा तब हम इस भर्ती को पूरा करेंगे। और इसी से छात्र हताश और निराश होकर कल हजारों की संख्या में लखनऊ की सड़कों पर दिखे। इन छात्रों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिनकी केवल एक ही मांग रही है कि 6,800 छात्रों को नियुक्ति दी जाए। इनकी इतनी ज्यादा संख्या रही है कि आप पुलिस अधिकारियों को इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इन अभ्यर्थियों के सामने निवेदन करते हुए कि आप यहां पर धरना ना करें, इस स्थान से हट जाएं। ज्यादा संख्या होने के कारण पुलिस बल पर भी काफी ज्यादा दबाव था। अभ्यर्थियों ने काफी लंबे समय तक यहां पर आंदोलन प्रदर्शन किया और परिवर्तन चौक पर ये यहां पर छात्र हंगामा करते दिखे। उन्होंने मांग की कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आखिर में पुलिस बल ने छात्रों पर खुद को यहाँ पर इन्हें निराशा करते हुए यानी कि इन पर इनको हटाते हुए वहाँ से और इको गार्डन भेज दिया गया। फिलहाल कुछ यहाँ पर सफलता खास हाथ नहीं लगी कि वाकई में भर्ती हो जाएगी। मुलाकात हुई कुछ इधर कुछ उधर, लेकिन कोई अंतिम यहाँ पर या अनंतिम निर्णय देखने को नहीं मिला। चीजें वहीं पर आकर फंसी हुई हैं कि जब हाई कोर्ट से मामला निस्तारित होगा तभी इन छात्रों को नियुक्ति दी जाएगी। फिलहाल अभी इस पर आगे छात्रों की क्या रणनीति रहेगी, क्या अपडेट आएगी, वो हम आपको लगातार यहाँ पर देते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।